Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. I'll just give you top three points. जो मैं हमेशा अपने clients से कहती हूँ, I practice it, I preach it, I live by it. सबसे पहले fall in love with yourself. अपने आप को accept करो, अपने आप से पूरी तरह से प्यार करो, जिस तरह से आप कर सकते हो, do it completely and wholly. हाय नमस्कार, मैं हूँ अदा एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ फिट स्टार, जहां पर हम फिटनेस की दुनिया की स्टार्स को यहाँ ले आते हैं. इनफैक्ट एनीबॉडी, मेंटल, फिजिकल, ऑल काइंड्स ऑफ फिटनेस. एंड आज जो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, शी इज समवन हु इज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, psychotherapist and a published author of 52 books by HarperCollins globally. And ye mainly hum focus karne wale hain on happiness on different levels in life. Lekin isse pehle is happy amazing face ko le aate hain saamne. Let's welcome Carmel Nair on Fitstar. Hi, thank you Ada. आपका शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम. वी हैव डन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ऑन माय शो एंड फॉर माय शो, एंड हियर वी आर ऑन वीडियो फॉर द रेडियो नशा यूट्यूब पेज, एंड इट्स ऑसम टू हैव यू. कामिल, पहले सबसे पहले तो बताओ कि आप कैसी हैं. भैया अभी तो मैं ठीक हूँ, एंड नाउ दैट आई एम मोटिवेटिंग पीपल टू बी मेंटली हैप्पी, तो खुद का मेंटल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है. सो आई एम इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, तो मैं काफी खुश हूँ, काफी माइंडफुल हूँ. दैट्स हाउ आई लाइक टू पुट इट. या काफी माइंडफुल, दैट्स सो इम्पोर्टेंट, दैट्स सो इम्पोर्टेंट. यू नो, आई रियली वांट टू आस्क यू, अभी जब तुमने कहा ही है, आई वांटेड टू आस्क दिस लेटर, लेकिन मैं अभी पूछ देती हूँ कि इतने लोगों की चीजें सुनना, स्टोरी सुनना, लाइफ सुनना, डिप्रेशन हो गया, जो भी हो गया, एंग्जायटी हो गया, यू डील विद स्ट्रेस एंड एंग्जायटी राइट ऑल्सो, सो खुद को कैसे रखती हूँ हैप्पी एंड मोटिवेटेड, व्हाट्स योर मंत्रा? Wow, I'm so glad कि आपने ये पूछा, because usually people are focused कि मैं अपने clients का ध्यान कैसे रखती हूँ, but ये पहली बार है that somebody is asking me how I take care of myself. See, it's very very important, जो career में मैं हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, that I keep ingesting myself with good energy. और इसके लिए mindful रहना, meditate करना, ये बहुत ही ज्यादा important हो जाता है. So every year without fail मैं ये विपश्यना का 10 दिन का course का ये एक retreat हर साल करती हूँ. इसके अलावा मैं विपासना मेडिटेटर हूँ, तो एवरी डे सुबह उठते ही पहले 60 मिनट मैं विपासना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हूँ बाय डिफॉल्ट. अभी मैं 11 दिन के लिए छुट्टी के लिए गई थी, एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि मेरी विल पावर इतनी सुधर चुकी है दैट इन दैट 10 डेज टू 11 डेज ऑफ हॉलीडे ऑल्सो मैंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा. आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वुड मेडिटेट, और अभी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो गया है, एंड आई थिंक दैट्स वॉट कीप्स मी सेन in this insane world of ours. Kya baat hai. So just taking time out, you know, I think so the secret here is that if you really want it, you will get time out and you will take time out. Varna bahane to ready hote hi hai, nahi? But where there is a will, there is a way. Jab tak aap koshish nahi karenge, shuruaat nahi karenge and you will not assert your will, ye to nahi ban payega. Kya baat hai. Life coach hai aap kitne saalon se Carmel, and iske pehle aapka ek इंटरेस्टिंग स्टिंट भी रहा, वो टैरो कार्ड रीडिंग जिसका जिक्र आपने किया था, तो टैरो से लाइफ कोच का शिफ्ट कैसे हुआ और फिर लाइफ कोच अभी आप कितने साल से करते आ रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन रही मेरी लाइफ में. मेरी पहली विपासना कोर्स 2010 में हुई थी, और जिसके बाद मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ दिया था. तभी मैं बिल्कुल आप ही के तरह एक रेडियो आरजे थी, फिर मैंने टीवी शो भी किया था, एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू टेक ऑन द सेम राइड, पेज 3 स्टफ एंड ऑल. लेकिन पता नहीं क्यों आफ्टर द फर्स्ट विपासना ऐसा लगने लगा दैट ऑल दिस नीड्स टू स्टॉप समवेयर, तो मैंने अपना कॉर्पोरेट चेस वहीं पे कट कर दिया. उसके बाद सोच रही थी कि आगे क्या करना है, उसके दौरान टैरो का थोड़ा चस्का लग गया, सो आई स्टार्टेड डूइंग टैरो फॉर पीपल, और मैंने रियलाइज किया कि मेरे प्रेडिक्शंस के साथ मैं पैसे भी अच्छे बना रही, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ टैरो रीडर. लेकिन एक दो साल के बाद मैंने रियलाइज किया कि लोग मेरे पास केवल टैरो के लिए नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू मी सिंपली बिकॉज दे फील कि मैं उनकी बातें सुनती हूँ. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई विल डू माय मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग. तो मैंने 3 वर्षों का मास्टर्स किया, एंड आई पास्ड आउट विद फ्लाइंग कलर्स. और उसके दौरान न जाने क्यों 2 और विपासना के कोर्सेज हो गए, और ऐसे लगने लगा कि ये जो मोह माया है पैसे का, ग्लोबली पब्लिश्ड ऑथर बनने का, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए. और उस मोह माया के खत्म करने के चक्कर में मैंने टैरो को भी बंद कर दिया, और फिर मैं सोच रही थी अभी आगे क्या करना है, एंड दैट्स व्हेन समबडी सजेस्टेड दैट लाइफ कोचिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड आई टुक द लाइफ कोच सर्टिफिकेशन. लेकिन ये सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हुआ सिलसिला,
उसके बाद जैसे जैसे टैरो के क्लाइंट्स आने लगे, उनको मैं कहती गई कि टैरो तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी से कोचिंग कर रही हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग कोचिंग एंड माय मास्टर्स डिग्री ऑफ साइकोथेरेपी एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई वाज एबल टू एलिवेट पीपल्स स्ट्रेस और एंजाइटी. तो लोगों की जो स्ट्रेस होती है, जो टेंशन होती है, वो काफी हद तक कम होने लग गई. उसके बाद मैंने अपनी पांचवी और चौथी विपश्यना कोर्स कंप्लीट की एंड दैट काइंड ऑफ गेव मी अ सेंस ऑफ माइंडफुलनेस. तो फिर लाइफ कोचिंग प्लस साइकोथेरेपी प्लस माइंडफुलनेस, ये तीनों टूल्स इतने पावरफुल बन गए कि आज के तारीख में मैं रोजाना 3 से 4 क्लाइंट से बात करती हूँ जो बहुत ही ज्यादा एंशियस होते हैं. सम ऑफ देम आर माइग्रेटिंग टू सीरियस टू मॉडरेट डिप्रेशन एंड आई एम स्टिल एबल टू मेक अ डिफरेंस टू देयर लाइफ. तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने जीवन का पैशन ढूंढ निकाला है और मेरी तो सलाह यही होगी कि आपसे कि आप भी थोड़ा समय निकाले और अपना पैशन को खोज पाए. बिल्कुल, आई मीन दैट इज आई थिंक द नीड ऑफ द आवर. बट यू बीन यू नो स्पेसिफाइंग लाइफ कोच, साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, ये तीन चीजें. मुझे बताओ लाइफ कोच एंड साइकोथेरेपिस्ट में क्या फर्क, एंड काउंसलिंग, ये तीन चीजों में अंतर क्या है? सो मोस्टली काउंसलर्स केवल आपके प्रॉब्लम्स, आपके समस्या को सुनते हैं. एज अ साइकोथेरेपिस्ट हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम आपको करेक्टिव इंटरवेंशंस और करेक्टिव मेजर्स देते हैं. नाउ एज अ साइकोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है आपके पास्ट में झांकना, आपके पास्ट में जो गलत हुई है, जो चीजें अटकी हुई हैं, जो टेंशन और ट्रॉमा से आप गुजर चुके हैं, उसे करेक्ट करना और आपको प्रेजेंट में लाकर फंक्शनल बनाना. तो एक साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ऑसिलेट करना. बट एज अ लाइफ कोच आपके आगे, आपके आने वाले फ्यूचर को ध्यान रखते हैं और इसलिए ऐसे सोचते हैं दैट यू आर एब्सोल्युटली सेन. और यदि हम आपके प्रेजेंट पे काम करें तो आपका फ्यूचर उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन दे सकता है. सो एज अ लाइफ कोच पीपल विल टिपिकली फोकस ऑन योर बेटर फ्यूचर एंड एज अ साइकोथेरेपिस्ट पीपल विल हेल्प यू डील विथ योर पास्ट टू लिव अ बेटर प्रेजेंट. एंड क्योंकि मैं दोनों ही हूँ, मैं आपके पास्ट में झांकती हूँ, आपके प्रेजेंट को फिक्स करती हूँ ताकि आपके फ्यूचर से आप बहुत ही ज्यादा खुश हो और सक्सेसफुल हो. क्या बात है. यू नो देयर इज वन थिंग व्हिच इज माइंडफुलनेस, और आपने शुरुआत में भी यही कहा था, ये माइंडफुलनेस वाली चीज का जिक्र इतना होता है, बी इन द मोमेंट, माइंडफुल रहे, ऐसे लेमैन लैंग्वेज में आप क्या बताएंगे, व्हाट इज माइंडफुलनेस? सी माइंडफुलनेस इज बीइंग प्रेजेंट. जैसे आप अभी मेरे से बात कर रही हो आदा, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि अगला सवाल मैं क्या पूछूं, विच मीन्स यू आर स्टिल इन द फ्यूचर, यू आर हियर विद मी बट नॉट हियर विद मी. तो माइंडफुलनेस का एसेंस यही है कि जो आप करें पूरी तरह से करें, फुल्ली इन्वॉल्व होके करें. और जब जब हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होके कोई चीज करते हैं, वी आर एब्सोल्युटली इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग माइंडफुल एंड नॉट माइंडलेस. Absolutely. I think the theme of this interview should be minded with Carmel and Ada. Okay. Tell us, yes. Happiness, that ye jo cheez hai na apni life mein happiness, ye what are the three ya what are the main points that you would like to highlight in life? Agar main kahun ki mujhe khush rehna hai, I want to be happy. Koi insaan bahut frustrated hai mayus hai, to kya unhe aap bolengi, like in 3 to 5 points, what would you tell? I'll just give you top 3 points. जो मैं हमेशा अपने clients से कहती हूँ, I practice it, I preach it, I live by it. सबसे पहले fall in love with yourself. अपने आप को accept करो, अपने आप से पूरी तरह से प्यार करो, जिस तरह से आप कर सकते हो, do it completely and wholly. Number 2, put yourself ahead of others. अगर आपने अपने आप को पीछे डाला और दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ esteem को इसका बहुत बड़ा loss होने वाला है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू लव योरसेल्फ, यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ अहेड ऑफ अदर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पैशन को फॉलो करो, ढूंढ निकालो, सोच के बूझ के देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, और उस एक चीज को रोज केवल 20 मिनट के लिए अगर आपने किया, यू आर गोइंग टू बी सो मच इन लव विद योरसेल्फ एंड एवरीथिंग दैट यू डू. क्योंकि जब हम कोई चीज पैशनेटली करते हैं, हम माइंडफुली करते हैं, और केवल वो 20 मिनट दिन के 24 घंटे में कैन बिकम योर गेम चेंजर. It can help you alleviate stress, anxiety, be happy, love yourself, discover a path and a passion, and more importantly, a meaning to your life. Wow. So love yourself, keep yourself ahead of others, and passion. LKP is the magic to happen. Agar main aapse poochhun, like this is very, you know, exciting for someone to know ki wo kya karte hain, jaise what's in your bag,
व्हाट्स योर मॉर्निंग रूटीन, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन, राइट? तो कार्मेल एज अ लाइफ कोच, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है बताएं, अगर आप फ्रॉम द टाइम दैट यू वेक अप एंड लाइक यू नो टिल योर ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर इट इज. ओके, so it's a very simple routine, typically a work from home plus a homemaker plus a mom routine. पहले तो मैं सुबह उठती हूँ. उठने के बाद मेरी शोल्डर थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई थी बिकॉज ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन विद माय डॉटर, तो मैं अपने शोल्डर और लेग्स की एक्सरसाइज करती हूँ. उसके बाद मेरी हेल्प करती है मेरे हस्बैंड की टिफिन बनाने में, और मैं उनकी हेल्प करती हूँ उस टिफिन को पैक करने में. और जैसे ही वो निकल जाते हैं करीबन 8:30 बजे, मैं बैठ जाती हूँ अलार्म क्लॉक लगा के 60 मिनट्स का, जहां पर मैं विपश्यना मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ. बाय देन माय डॉटर वेक्स अप, सो 10 to 11 आई सिट विद हर, एंड 11 o'clock यूजुअली इज माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट. और वो अपॉइंटमेंट करीबन 1.5-2 घंटा चलता है, और उसके बाद मेरे 1 या 2 कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, फिर वो करीबन 2 घंटा चलता है. उसके बाद फिर दोपहर में मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बैठती हूँ, थोड़ी गपचप टाइम पास, और फिर शाम को फिर एक क्लाइंट की सेशन, और उसके बाद माय हस्बैंड एंड माय डॉटर आर माय लाइफ एंड आई हैव अ डॉग टू वॉक. फिर दिन ऐसे खत्म हो जाता है, एंड रात में फिर सोने के पहले वी सिट ऑन आवर बेड एंड वी डू फैमिली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. ये हैबिट हमने कोविड के शुरू होने के वक्त शुरू की थी मार्च 23 को, एंड आई एम वेरी हम्बल टू से कि इस प्रैक्टिस ने मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की इतनी सहायता की है टू बी एबल टू डील विद कोविड. आई कांट टेल यू हाउ. क्या बात है. हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन एज द लाइफ कोच, या यू नो एनीबॉडी दैट यू लुक्ड अप टू, एनीबॉडी जिनका रिएक्शन, जिनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आपको इंस्पायर कर गया? सो इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कह सकती, बट आई हैव अ मेंटर एंड ही हैज नथिंग टू डू विद लाइफ कोचिंग और साइकोथेरेपी. व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चांस मीट विद विपश्यना, जिसने विपश्यना को इनन्सिएट किया था इंडिया में, एसएन गोयनका जी, दैट टाइम ही वाज 80 इयर्स ओल्ड एंड ही इज नो मोर, ही हैज पास्ड अवे, एंड आई टुक अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम हिज लाइफ. वो एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे, एंड देन विपश्यना हैपेंड टू हिम एट अबाउट द सेम टाइम व्हेन इट हैपेंड टू मी. And how he changed his entire life. इतना किया उन्होंने कि अपनी जिंदगी की सारी सेविंग घर भर सब बेच बाच कर उन्होंने विपश्यना सेंटर डाले इंडिया में, लोगों के लिए काम करना शुरू किया, एंड ही स्टार्टेड गिविंग मोर एंड मोर. एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट, जितना हम लोगों को देंगे उतना हमें फिर मिलेगा, एंड दैट हैज बिकम द पर्पस ऑफ माई लाइफ. आई हैव डिसाइडेड दैट पैसा तब आता है जब आप लोगों को पहले खुश करते हैं, लोगों को पहले पैशन की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, सो दैट दे कैन डिस्कवर इट देमसेल्व्स. सो टुडे एज ऑन डेट आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मनी, मनी विल कम. एंड अदर ग्लैडली स्पीकिंग इट डज कीप कमिंग, सो द मोर यू गिव द मोर यू गेट. Yay! क्या बात है. आई वांट गिव मोर, टेक मोर. कमल प्लीज टेक मोर ऑफ माय क्वेश्चंस. वन टिप इन द करंट सिनेरियो जो आप देना चाहेंगी. टू, फर्स्ट किड्स नाउ जो कि वापस स्कूल जाने वाले हैं या जाना शुरू कर रहे हैं, आप क्या उन्हें एडवाइस देना चाहेंगी, पर्टिकुलरली फॉर किड्स टू हैंडल लाइफ? तो सबसे पहले कि हाइजीन का ख्याल रखें. किड्स यूजुअली आर नॉट पॉजिटिव कैरियर्स, बट आई एम सॉरी, किड्स आर यूजुअली ओनली पॉजिटिव कैरियर्स, एंड इनके वजह से घर वालों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ हाइजीन. अनदर थिंग इज, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उन्होंने 1.5-2 साल कैसे इस कोविड में अपने आप को मैनेज किया. आई थिंक दे ऑल डिजर्व अ रिवॉर्ड. सो एवरी डे प्लीज हग देम, प्लीज लव देम, और उनको हंसी खुशी से स्कूल भेजो. उन्हें मोटिवेट करो कि वो खेले, एंजॉय करे, अपने हाथ बार बार धोए, एंड देन व्हेन दे कम बैक बी नाइस टू देम, डोंट प्रेशराइज देम. और बच्चों को ध्यान से कहे कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतना तुम हमारा भी ख्याल रख पाओगे. Well, that is the only advice I would like to give kids. Otherwise, I think kids are completely bored and they need to start getting back to action. That is true. Lekin reward to parents ko bhi dena chahiye, kyunki itne saalon ne jhela kids ghar par, entertain them, cook for them, koi cheez se santushti nahi, they get bored. To parents ko kya kehna chahenge? Aap kya advice in terms of, you know, mental and physical health now that things are getting back? So for parents, it's very, very simple. Please care for yourself. As a father, as a mother, hum bhool jate hain ki hum bhi hai, ki hum ek individual bhi hai. While we are playing so many roles of being a parent, a worker, a friend, a in-law, a son-in-law, a daughter-in-law, whatever, please remember that you are a person. So jo tumhe achha lagta hai, jo khushi deti hai, wo sari cheeze karo, love yourself. Make some time in a week for yourself. Maine to shuru kiya hai aaj se pampering Sunday.
तो संडे को मेरा कोई क्लाइंट मीट नहीं होता, संडे को कुछ नहीं होता, संडे को कोई फैमिली मीट्स भी नहीं होती, संडे इज अ डे ऑल फॉर मी। तो मैं अपने घर को बहुत पूरी तरह से सजा देती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट कुकिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स जो किसी और को पसंद नहीं आती, केवल मुझे पसंद है, एंड देन आई कंप्लीटली पैम्पर माय सेल्फ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस 4 Sundays इन अ मंथ। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान डिवाइस करें, देन ट्रस्ट मी यू आर गोना कंप्लीटली लव योर सेल्फ एंड लव योर लाइफ। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जिंदगी में चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। हम सारी चीजें तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर स्टेट ऑफ माइंड, एंड द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर स्टेट ऑफ माइंड इज टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, कीप योर माइंड हैप्पी। क्या सलाह देना चाहेंगी आप उन्हें जो कि अभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, दे मेक रील्स, दे मेक वीडियोस, एंड हैव हैव यू नो देयर इज ऑलवेज कंपटीशन, दे ऑलवेज थिंकिंग क्या कंटेंट बनाना है, क्या अपलोड करना है, एंड ऑब्वियसली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ यू नो हार्ट ब्रेक्स बिकॉज ये वर्क नहीं किया, इतने इसको व्यूज नहीं आए, तो what would you advise unhe? So I have learned this the hard way, Ada, that jitna hum compete karte hain utna hi hum dhakke khate hain. So please remove the concept and the psychology of competition from your mind. Anxiety, tension and stress, ye sari cheeze competitiveness ki wajah se hi aati hai. In my opinion, please replace competition with creation. The more you start creating, the more you start innovating, and the more you start putting yourself and a little bit of yourself in your work, your work will automatically start standing out. So competition se to khayal nikal hi do, jaise competition dimag se gaya, stress aur anxiety gayi, aur fir creation ki aadat dal do, aur jab jab aap create karoge utna utna aap apne kaam ko enjoy bhi karoge. Kya baat hai Kamal, you so much fun talking to. I think there should be a part 2 of this interview, but jo log abhi hame sun rahe hain, dekh rahe hain, if they've also fallen in love with you and they want to get in touch with you, to kaise aapko sampark kar sakte hain, how do they get to you? मेरी एक एक्टिव वेबसाइट है जिसका नाम है www.kamalnair.com. उस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है कैसे, we'll link it below. They can... yes. इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी है coachkamal@gmail.com. प्लीज फील फ्री टू सेंड योर फीडबैक, योर स्टोरीज, एंड अगर आपको कुछ शेयर करना है, कोई फीडबैक मुझे देना है मेरे बाल या चश्मे के ऊपर, तो फील फ्री एंड गिव इट टू मी. I'll be more than happy to include that in the next session. Yes, Bal, we love. Chashma also is nice on you. We can do a nice cat eyes next time. Cat eye Chashma. We'll go shopping for that. But thanks so much for being with me, Kamal. And of course, it's just a pleasure having you. Aap kya kehna chahenge logon ko, whoever is maybe listening to you, watching you for the first time, anything that you want to share, anything important? Zindagi mein bahut important hai positive rehna. क्योंकि नेगेटिव रहना तो बहुत आसान है, हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिव होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है कि इट्स वेरी इजी टू बिकम नेगेटिव, बट व्हाट इज नॉट इजी इज टू स्टे पॉजिटिव, एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट स्टेइंग पॉजिटिव इज कि जब जब आपके साथ कुछ नेगेटिव हो, मेरी ये एक बात ध्यान में रखिए, प्लीज ट्राई एंड लुक फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव इन दैट नेगेटिव, एंड ट्रस्ट मी दैट्स गोइंग टू मेक यू रियली एडमायर एंड लव द नेगेटिव सिचुएशन दैट यू आर इन. केवल एक पॉजिटिव को ढूंढ निकालिए उस नेगेटिव में, and see how your life changes entirely. Superb! Oh, and I almost forgot. How can we forget? Bhai, ye radio nasha par hai, to obviously we'll have to ask you, what is your favorite retro cool song? Jab aap sunti hain, to aap positive ho jati hain and you get into a good mood. So imagine ke you know it's a Sunday or whatever, aur aap ye gana play kar rahi hain. Bataein kaun sa wo gana hoga? वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट रेट्रो गाने हैं, हमने तो साथ में बहुत सारा कुछ किया है इन द पास्ट. But right now, looking at the scene outside, मौसम इतना romantic है, इतना बरसीला है. So the only song that comes to my mind is Nile Nile Ambar. So आप उसे ही बजा दीजिए. And I think audience is going to love that song. It's so perfect. Yeah, Nile Nile Ambar. And the slogan of this T-shirt is Chill Out. I know it's Ulta, but it's Chill Out. Chill Out with Kamal. Absolutely. Thanks so much for being with me, Kamal, and I hope you enjoy talking to us and milte hain phir bahut jald. Yes, thank you so much for inviting me on my show. Radio Nasha.